First Choice Kids Wear Ramadan Special Offer Up to 40% Discount के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान शरारा पम्पलम गाउन वॉल्स फुल सूट वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस प्रीमियम क्वालिटी सबसे सस्ता और अच्छा रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव दूल्हे ने जब रचाई शादी तो शासन प्रशासन से लेकर गली मोहल्ले तक हड़कंप मच गया। जी हाँ, शादियों में आपने दूल्हा दुल्हन को चमचमाते हुए सूट बूट पहने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग दिखाने जा रहे हैं, जिसमें दूल्हा और दुल्हन पीपीई किट पहनकर अग्नि के साथ फेरे ले रहे हैं। वही पंडित जी भी मंत्रोच्चारण पीपीई किट पहनकर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूल्हा दुल्हन के परिवार के लोग भी पीपीई किट पहनकर शादी में शामिल हुए हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है। रतलाम के मांगलिक हॉल में अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां दूल्हा दुल्हन पंडित जी पूरे परिवार के सदस्य पीपीई किट पहनकर शादी में शामिल हुए। दरअसल आपको बता दें कि 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव ये दूल्हा पाया गया था। दूल्हे को होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन शादी के मुहूर्त तय होने की वजह से इनकी शादी की गई। आज इनकी शादी की गई है। दूल्हे के पिता से शादी की परमिशन को लेकर जब सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि मैंने शादी की परमिशन नहीं लिया है और कोरोना पॉजिटिव होने से ज़्यादा दिन हो गए हैं, इसलिए शादी का आयोजन किया गया। कोरोना पॉजिटिव दूल्हे की शादी की सूचना प्रशासन को जैसे ही लगी, आनन फानन में नायब तहसीलदार नवीन गर्ग पहुँच गए, लेकिन उच्च अधिकारियों ने शादी सम्पन्न करवा दी। चूँकि दूल्हा कोरोना पॉजिटिव है, साथ ही होम आइसोलेट होकर दूल्हे का मकान कंटेनमेंट जोन में है, इसलिए दूल्हे पर कंटेनमेंट जोन तोड़ने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण का मामला भी दर्ज करने की बात तहसीलदार कर रहे हैं। वहीं पूरा वाकया ऐसे समय हुआ जब रतलाम में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। प्रतिदिन 200 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं और औसतन 30 से 40 मरीजों की मौत हो रही है। राज्य में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। ऐसे में एक पॉजिटिव दूल्हा के विवाह पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शादी पीपीई किट पहन के हुई है और सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा। अच्छा, ये बताएं सर, बालक कोरोना संक्रमित कब हुआ था और फिर ये 14 तारीख को हुआ था। 14 तारीख को। तो फिर शादी और आगे बढ़ाने के लिए सोची कोरोना संक्रमण काल में आप शादी कर रहे हैं? सर, ये सिम्टोमेटिक था और इसका इलाज अपने खंडेलवाल साहब और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोगों ने दवाई दी थी, वो घर पे ले रहा था। प्रशासन से क्या अनुमति ले ली थी आपने? लिखित में ये यहाँ हॉल की तो अनुमति लड़के वालों ने ली थी। नहीं, शादी करने की? हाँ, शादी करने की ली थी। आपने ली थी कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं। फिर आपको पता है कोरोना संक्रमण फैलता है इस तरह से, दूर करने के फिर आपने तबरा कदम उठाया? तो ये एक्चुअल में क्या है, दिन ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सोचा कि अब ए सिम्टोमेटिक भी है, दिन भी ज़्यादा हो गए तो अब ज़्यादा परेशानी तो आएगी नहीं उसमें।